जिंदाबाद 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 आर्मी साहब जिंदाबाद 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 आप लोग साइड में रहिए, थोड़ा साइड में रहिए भैया। पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, उनको निकलने का जगह दीजिए। जिंदाबाद 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 देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, जो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक उन्होंने पैदल चलने का काम किया, उस यात्रा के समाप्ति के बाद पहली बार बिहार की धरती पर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का आगमन होने जा रहा है। साथ ही उनके साथ में राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महामंत्री श्री केसी वेणुगोपाल जी सब साथ आ रहे हैं। ये हम सभी कांग्रेसियों के लिए बड़े गर्व की बात है और हम अपने नेता के स्वागत अभिनंदन के लिए पटना के सब तमाम सड़क गली चौक चौराहे सदाकत आश्रम से लेकर के एयरपोर्ट पर हर जगह पे चप्पे चप्पे पे कांग्रेसी जन उनके स्वागत अभिनंदन की तैयारी में लगे हुए हैं। बैठक क्या सफल हो गया जो आज बैठक? बिल्कुल बिल्कुल, आज जो है महागठबंधन की तरफ से विपक्षी एकता का भी जो है आज बैठक आयोजित किया गया है, जो एक अन्य मार्ग पे 11:30 बजे से स्टार्ट होने जा रहा है। उसमें 18 विपक्षी पार्टियां एक साथ शिरकत कर रही हैं, तो निश्चित तौर पे आज कुछ नया होने वाला है, विपक्षी एकता मजबूत होगा और भाजपा का 2024 में भाजपा का केंद्र से सफाया हो जाएगा। कौन सफाया हो जाएगा? आया है कि ठग ये लोग हैं, इस तरह का बयान आया है, सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ गए, सारे भ्रष्टाचारी हैं। तो ये बात तो पहले भाजपा पे लागू होती है, भ्रष्टाचारियों की समूह जो है वो भाजपा की सरकार है। आज हमारे यहाँ जीतन राम मांझी जी थे, वो भाजपा को छोड़ करके जो है जदयू में आए थे और जदयू को छोड़ करके फिर भाजपा में गए, तो क्या जीतन राम मांझी जी भ्रष्टाचारी नहीं है? जब आप नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाते हैं तो नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी नहीं होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी आपका साथ छोड़ देते हैं तो नीतीश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचारी का आप आरोप लगाते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है अनूप कुमार, प्रदेश प्रवक्ता बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस।